और उन्नाव में प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ था और यह खबर न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाई थी। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम गौरांग राठी ने खबर का संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर से जांच रिपोर्ट तलब की और डीएम के एक्शन के बाद एसडीएम ने 3 सदस्यीय जांच टीम को भेजकर शिव मंदिर वाले स्थान और एरिया की पैमाइश कराई है। पैमाइश में जमीन की आबादी पाई गई है, जबकि विशेष समुदाय शिव मंदिर की जमीन पर अपना दावा कर रहा था। फिलहाल अब दोनों पक्ष मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राजी हो गए हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। वही सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 70 वर्ष पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार या उसकी छत डलवाने के लिए आज एसडीएम सदर को नरसेवा नारायण सेवा द्वारा अनुमति के लिए पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसकी रिपोर्ट मांगने के उपरांत जो है इस पर अनुमति देंगे। मैं जिला प्रशासन से एक स्पष्ट निष्पक्ष जांच कराकर इसमें तत्काल, जिस तरह से हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, क्योंकि सिर्फ रानीपुर की बात नहीं है, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश के हिंदुओं की आस्था का मामला है, इसमें संज्ञान लेना चाहिए और मंदिर की जो छत पड़नी है और जीर्णोद्धार होना है उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मंदिर न पड़ी, जैसे बना वैसे बना रही, पूजा करे चाहे पाठ करे, हमसे लोगन से कोई मतलब नहीं। मस्जिद माँ कैसी हमारे लोगन के मस्जिद में नमाज पढ़ी है, ऐलान हुई वो का रमजान शरीफ का, तो कैसी इनका घंटा बाद भी कैसी उनका गुहार मतलब नाच गाना हुई, तो यह से मुसलमान का अतिरिध है छत न पड़ी। उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र का रानीपुर गांव, जो कि मुस्लिम आबादी वाला गांव है, तकरीबन 130 से ज़्यादा परिवार यहां मुस्लिम परिवार हैं, तो वहीं करीबन 25 से 30 परिवार हिंदू परिवार रहते हैं। इस गांव में 9 तारीख को एक घटना सामने आई थी, जहां पर मुस्लिम पक्ष ने गांव में एक शिव मंदिर को जीर्णोद्धार पर रोक लगाती थी और दोनों समुदाय आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद उन्नाव पुलिस हरकत में आई और तकरीबन 30 लोगों को पूरे मामले में पाबंद किया था, जिसके चलते इसका मकसद था कि किसी भी तरीके का वहां पे विवाद ना हो सके। लेकिन यह मामला तूल पकड़ गया और जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर मंदिर में छत डाली जाएगी यानी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू पक्ष के लोगों को रहने नहीं देंगे। न्यूज स्टेट ने 21 तारीख को पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया तो प्रशासन हरकत में आया और पूरे मामले की डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने जांच शुरू की और राजस्व विभाग के अफसरों को यानी कि एसडीएम सदर के नेतृत्व में जांच सौंपी। डीएम के एक्शन के बाद आज मौके पर नायब तहसीलदार स्नेह यादव राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और वहां पे पूरी जमीन की पैमाइश की जाती है, तो निकल के सामने आता है कि जमीन जो है वो आबादी की है, तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से अपनी जमीन होने का दावा कर रहा था तो उसका दावा खारिज हो गया। इस दौरान स्नेह यादव ने साफ तौर पर हिंदू पक्ष से कहा कि आप लोग अब मंदिर का निर्माण करा सकते हैं क्योंकि ये जमीन आबादी की है, जिसके बाद वहाँ पे मौजूद पुलिस बल व अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत की, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक ये बातचीत का दौर चला और दोनों पक्ष मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर फिलहाल राजी हो गए। फिलहाल उन्नाव SP दीपक भूकर ने पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पे अभी पुलिस तैनात की है और CO बीघापुर ऋषिकांत शुक्ला को पूरे मामले में लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार फिर उन्नाव में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है और जो मंदिर जिसका जीर्णोद्धार होना था उसके जीर्णोद्धार का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल अफसरों का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जो भी पूरे मामले में वहां पे आपसी सौहार्द बिगाड़ेगा उसके खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई तय की जाएगी। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में SGP जाय को आज बड़ी सौगात दी। करीब 1133